यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप BTS की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि कल सभी BTS मेंबर्स ने अपने यूट्यूब अकाउंट से आर्मी के लिए एक स्पेशल मैसेज सेंड किया, जिसका सब टाइटल अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए हमारे काफी दोस्त जानना चाहते थे कि आखिर BTS ने इस वीडियो में क्या कहा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कल सभी BTS मेंबर्स ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो आर्मी के साथ कुछ शेयर कर रहे थे, जिसे देखकर आर्मी को लगा कि शायद सभी BTS मेंबर्स अपने ग्रैमी अवार्ड्स के नॉमिनेशंस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि BTS मेंबर्स इस वीडियो में अपने ग्रैमी अवार्ड्स के नॉमिनेशंस के बारे में नहीं, बल्कि CSAT एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, BTS मेंबर्स ने उन सभी स्टूडेंट्स को गुड लक विश किया जो आज CSAT एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर डिटेल में बात करें तो कोरिया में एवरी ईयर एक कॉलेज स्कॉलर एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी कहा जाता है। इस एग्जाम को पास करने और उसमें मार्क्स लाने पर डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट को किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप इसे एक नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम समझ रहे हो, लेकिन कोरिया में इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस दिन ये एग्जाम होता है उस दिन पूरा कोरिया बंद रहता है, यानी ऑफिस या कोई भी शॉप ओपन नहीं होती, जिसका रीजन ये है कि कोरियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एग्जाम देने आने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का ट्रैफिक मिले या ट्रैफिक की वजह से उनका एग्जाम छूट जाए। यहाँ तक कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन किसी भी व्हीकल को हॉर्न देने की परमिशन नहीं होती। इसके अलावा पुलिस स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रोटेक्शन देते हुए इस बात का ध्यान रखती है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में जाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर एक एग्जाम सेंटर पर एक एम्बुलेंस होती है, जिससे अगर किसी भी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का सिर्फ एक रीजन है कि CSAT एग्जाम पर स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड होता है, और ये तो आपने कई के ड्रामाज में भी देखा होगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल स्काई कैसल है। दोस्तों, अगर आपने इस के ड्रामा को नहीं देखा तो मेरा सजेशन है कि आपको एक बार ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, जो कि आपको MX प्लेयर पर हिंदी में मिल जाएगी। वहीं अगर BTS के मैसेज की बात करें तो BTS मेंबर्स ने सभी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के लिए गुड लक विश किया और कहा कि आप सबने इस एग्जाम के लिए काफी हार्ड वर्क किया है, इसलिए अब टाइम आ गया है अपना बेस्ट देने का। आगे जे होप ने कहा, आप अच्छा डिलीशियस फूड खाकर बिना किसी स्ट्रेस के अपना एग्जाम देना। जिसके बाद वी ने जेके से कहा कि तुम्हें भी आर्मी को कुछ एडवाइस देनी चाहिए, जिस पर जेके ने कहा, मैंने तो ये एग्जाम खुद ही नहीं दिया, इसलिए मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी BTS मेंबर्स हंसने लगे। आगे जेके ने कहा कि मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि सर्दी काफी बढ़ गई है, इसलिए एग्जाम वाले दिन वार्म क्लोथ वियर करके जाना और ध्यान रखना कि एग्जाम से पहले सर्दी ना लग जाए। जिस पर किमसक जिन ने कहा कि हाँ, एग्जाम टाइम में बीमार होना बुरी बात है। आगे आरएम ने कहा कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इसलिए अपना बेस्ट दो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन और इस CSAT एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।